अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी रिव्यूज़ बाय माही। आई नो मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की। मेरे कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि मैं नहीं ऑन रह पाई। खैर, मैं अभी आपको लेके चलती हूँ नॉर्थ नाज़िबा ब्लॉक एच स्पाइस नेशन। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, छोटा सा है, क्यूट सा है, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। कि सबसे ज़्यादा क्यूटनेस जो मुझे लगी, जो मुझे अट्रैक्ट करा है, वो इसमें लाइटनिंग। जो मुझे लाइटनिंग तो मेरी कमज़ोरी है, और सबसे ख़तरनाक जो मुझे लगा वो उसकी स्टेयर्स हैं, क्योंकि लिफ्ट के बगैर चलना बहुत मुश्किल है। लिफ्ट के बगैर मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ तो ईजी ही है। और सबसे बेस्ट इसमें ये लगा मुझे इसकी क्यूट सी लाइटनिंग, जो बहुत अट्रैक्ट करी थी। अगर आप रोड साइड से जाओ तो मतलब ये बहुत क्यूट लगता है रात के टाइम पर। मुझे ऐसा लगता है वे लोग बनाते हुए आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, बोलना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे बोलना। खैर, विदाउट वेस्ट किए एक मिनट भी हम चढ़ते हैं ऊपर। ये इसका व्यू है, जो शायद इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा था। और अगर हम बस एक ही उन्होंने जैसे पोर्शन होता है ना घर का, वैसा है। जैसे हम रोते हैं राइट साइड पे, आपको बच्चों के लिए प्यारे प्यारे से टॉयज खिलौने मिलेंगे, टॉयज स्विंग सॉरी। और अंदर की स्पेस मुझे थोड़ी अच्छी लगी, बस मुझे एक चीज़ इनकी समझ में नहीं आई कि एंट्रेंस का, और मतलब अगर किसी ने रूफ टॉप पर भी जाना होगा, इनके दो हैं, एक नीचे और एक रूफ टॉप, अगर रूफ टॉप पर भी जाना होगा तो यहीं से एंट्री मिलेगी, जो कि थोड़ा प्राइवेसी के लिए हाथ से थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा कि अगर आप बैठे हो, बाहर से भी सब आ रहे हैं तो ऐसे ऊपर। खैर, फिर खाना आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमने ऑर्डर किया था लावा जिंगर, जो कि जिसका सॉस मुझे खास इतना समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसकी अमाउंट आई गेस पूरा डील के साथ 700-600 थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्टी सा, अजीब सा था। बाकी सब इसकी जो चीज़ी हांडी थी वो तो माउथ वाटरिंग ज़बरदस्त, वही आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वही ट्राई की थी और वो बेस्ट था इनका। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाती हूँ। इसके अलावा केक आप देखें, शायद आपको समझ में भी आया, फ्राइस की क्वान्टिटी बहुत थोड़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो सॉस है ना, जो नीचे, वो चीज़ ही नहीं है, वो सॉस मायनीज़ वाला और वाइट सॉस इस टाइप का कुछ लगा। ऐसा लगता है ना मुझे वीडियो बनाते ही रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हो ना, तो जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होती ना, वो बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। हाँ, खैर, ये है जिनकी मखनी चीज़ी हांडी, जो बिल्कुल ज़बरदस्त है, वर्थ टेकिंग है। अब इसको मेरे कहने पर जाके एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बेहतरीन था। अदरवाइज़ इनके रूफ टॉप की पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आई एम इन लव विद दिस लाइटनिंग, इसी मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई थी ताकि आप लोग आराम से देखें। और इसका जो एरिया है, जैसे एंट्री उसके साथ ही जो मेन एरिया है जहाँ पे आप लोग बैठते हैं, सेटिंग एरिया, ये वाला एक मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक ये रूफ टॉप, रूफ टॉप पर तो हम लोग नहीं गए थे, इनफैक्ट मैं नहीं गई थी। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और टोटल अमाउंट जो हमारा बिल था वो 2100 का था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह ही नई नई रेस्टोरेंट शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ शो सम लव, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।